ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम आपके समक्ष ई कोर्ट संबंधी यह फिल्म प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी ई अदालत या ई कोर्ट या ऑनलाइन कोर्ट या ऑनलाइन अदालत क्या होती है, कैसे काम करती है और उसमें क्या-क्या सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं, कौन-कौन सी चीजें हैं जो घर बैठे की जा सकती हैं और आपको अदालत में ज़्यादा चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सी सुविधाएं हैं जो ई कोर्ट के जरिए, इंटरनेट के जरिए घर बैठे की जा सकती। तो ये ई अदालत क्या है, ई कोर्ट क्या है, ये फिल्म इसी पर आधारित है और इसमें जो फिल्में दी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, ये अथॉन्टिक हैं, अधिकृत हैं। ये हमने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से उससे ली हैं, पोर्टल से। और इनमें जो सामग्री है, ये डिजिटल इंडिया, भारत सरकार और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय आदि की अधिकृत फिल्में हैं। इन्हें हम जनहित में, लोकहित में, सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, यहाँ पर इसका निशुल्क प्रसारण कर रहे हैं, जिससे आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तो जैसे नकल प्राप्त करना, आदेश प्राप्त करना, ऑर्डर शीट वगैरह लेना, आपके पास आपकी फाइल का नंबर होना चाहिए, केस का नंबर होना चाहिए। आजकल यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसे CNR नंबर बोलते हैं, वो होना चाहिए। तो उसके ज़रिए आप अपनी पूरी फाइल का, जब जब क्या क्या आदेश हुआ है और ऑर्डर्स हुए हैं, यानी कब और कौन सी नकल प्रतिलिपि चाहिए, जो भी चाहिए सब कुछ मिल सकता है। और एडवोकेट्स के लिए इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड का होना ज़रूरी है। आप अपने घर से बैठ करके किसी भी केस में कोई आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं या किसी केस को फाइल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में किसी पिटीशन को दाखिल कर सकते हैं, या किसी अन्य रिजॉइंडर वगैरह को दाखिल करना हो या जवाब दाखिल करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। यह सुविधाएं एडवोकेट्स के लिए हैं, लेकिन जनरल आदमी के लिए जो सुविधाएं, वो उन पर भी ये फिल्म है और एडवोकेट को जो सुविधाएं हैं उन पर भी आधारित ये फिल्म है। तो ये हमने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकृत फिल्में हैं, उन्हीं के पोर्टल से प्राप्त की हैं, हिंदी में है, तो सबके लिए जानकारी हो, सब इसका लाभ उठा सकें, सबको इसका फ़ायदा मिले, इस मंशा के साथ हम इनका प्रसारण कर रहे हैं और आप इनका अधिकाधिक लाभ उठाएं। भारत सरकार की जो डिजिटल इंडिया योजना है, ई गवर्नेंस योजना है, उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और नमस्कार। इसमें क्या-क्या है, ये सबसे सब आप पहले फिल्म अपने में वेब ब्राउजर देखिए, में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि ई ecourts.gov.in कोर्ट वेबसाइट यानी टाइप ई करें। अदालत क्या है, भारत ऑनलाइन के ई कोर्ट, कोर्ट्स ऑनलाइन सेवा ऑनलाइन मंच में अदालत, आपका जो स्वागत है। इंटरनेट के जरिए यह आप वेबसाइट देख सकते आपको हैं, जिला सत्र प्रिंट न्यायालय निकाल की सकते सेवाएं, हैं सभी और आदेश न्यायालयीन प्राप्त कर संबंधों की सकते हैं। संख्या, जय श्री अपूर्ण कृष्ण, केसेस, जय श्री राधे। अब आज आप तक इस लिए गए फिल्म को न्यायालयीन देखिए आदेश तथा और निर्णय, जानिए। और आज मैं अपलोड नरेंद्र की गई सिंह केसेस तोमर, की सूची आपको दिखाता है। यह एडवोकेट, वेबसाइट तीन प्रमुख मध्य सेवा प्रदेश हाई श्रेणियों कोर्ट, में विभाजित है, ग्वालियर जो इस खंडपीठ प्रकार है: तथा जिला न्यायालय जिला सत्र मुरैना। न्यायालय की सेवाएं, मैं इन फिल्मों को NJDG, यहाँ पर संकलित जनसंख्या करके आधारित नक्शा, जो ग्वालियर भारत के टाइम्स, नेशनल सभी नोबल जिला यूथ सत्र एकेडमी न्यायालयों को दिखाता है। और यह सारी जानकारी देवपुत्र दैनिक प्राइवेट आधार पर लिमिटेड अपडेट ग्रुप की ऑफ जाती है। कंपनीज की तरफ से धन्यवाद। यहाँ पर उनकी सहायता से सर्वसाधारण तक जनहित में इन फिल्मों को पहुँचा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमस्कार। सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर में ecourts.gov.in वेबसाइट टाइप करें। भारत के ई कोर्ट्स ऑनलाइन सेवा मंच में आपका स्वागत है। यह वेबसाइट आपको जिला सत्र न्यायालय की सेवाएं, सभी न्यायालयीन संकुलों की संख्या, अपूर्ण केसेस, आज तक लिए गए न्यायालयीन आदेश तथा निर्णय, और आज अपलोड की गई केसेस की सूची
आपको दिखाता है। यह वेबसाइट 3 प्रमुख सेवा श्रेणियों में विभाजित है, जो इस प्रकार है: जिला सत्र न्यायालय की सेवाएं, NJDG, जनसंख्या आधारित नक्शा जो भारत के सभी जिला सत्र न्यायालयों को दिखाता है। यह सारी जानकारी दैनिक आधार पर अपडेट की जाती है। धन्यवाद। ईकोर्ट सेवा पेज विभिन्न मामलों पर निर्णय और आदेशों की खोज करने की सुविधा प्रदान करता है। मुकदमेबाज और वकील द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे पसंदीदा विकल्प है केस संख्या। आपको आपका राज्य, जिला और कोर्ट परिसर का चयन करना है। उसके बाद केस नंबर विकल्प का चुनाव करें। सुयोग्य केस प्रकार चुनें, फिर योग्य केस संख्या और साल दर्ज करें। कैप्चा कोड दर्ज करें और गो बटन दबाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिए गए मामलों में 3 आदेश अपलोड किए गए हैं। उसके बाद हमारे सामने तिथियों के विवरण और प्रकार के विवरण होंगे। निर्णय और आदेश की खोज के लिए किसी भी केस नंबर पर प्रवेश करने के बाद आपको उस मामले में अपलोड किए गए सभी आदेश और निर्णय मिलेंगे। जब आप केस नंबर से खोजते हैं, तब आप सभी आदेश प्राप्त कर सकते हैं। आप हमेशा इसे पढ़ने या उसे सहेजने या उसकी प्रिंट निकालने के लिए निर्णय या आदेश के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस सुविधा का अधिकतम उपयोग करें। धन्यवाद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी जिला या तालुका कोर्ट की दैनिक कारण सूची कैसे जांचनी है। यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में मुकदमेबाज और वकील वेबसाइट से इस जानकारी का उपयोग कर रहे हैं। यह एक तरह की जानकारी है जो दावेदार और वकील को शारीरिक रूप से किसी भी अदालत में जाने से पहले जानकारी उपलब्ध कर उनकी ऊर्जा और समय की बचत कराता है। ई-कोर्टर सेवाओं के तहत आपको 4 विकल्प मिलेंगे, उसमें से चौथा विकल्प है कॉज लिस्ट, उसका चयन करें। उसके बाद आपको आपका राज्य, जिला और कोर्ट परिसर का चयन करना है। अब आपके जज के नाम का चयन करके हम उनके नाम के कारण की सूची देख सकते हैं। आप देखेंगे कि डिफॉल्ट रूप से आज की तारीख पहले ही चुनी गई है। आप तारीख को बदल भी सकते हैं, जिसके कारण भविष्य की तारीख की कारण सूची को आप तैयार कर सके। उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और नागरिक मामले की कारण सूची पर क्लिक करें, या आपराधिक मामलों की कारण सूची के लिए आपराधिक पर क्लिक करें। उसके बाद आप देखेंगे कि कारण सूची उत्पन्न होती है। उसके बाद कारण सूची में वर्णन किए गए अदालत का नाम, न्यायाधीश का नाम आपके सामने होगी। यहाँ आप देखेंगे कि कुछ शब्दों को नीले रंग में दर्शाया गया है। वह नीला पाठ कोर्ट के सामने सादर किए गए हर एक केस का उद्देश्य है। उसके बाद आप देखेंगे कि केस नंबर क्लिक करने योग्य लिंक है। क्लिक करने के बाद आप केस का इतिहास
देख सकते हैं। धन्यवाद। जैसे ही आप ecourts.gov.in वेबसाइट में जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज विकल्प का चुनाव करेंगे, उसके बाद किसी भी न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश को खोजना संभव होगा। ecourts सेवा पेज न्यायाधीश के नाम से निर्णय और आदेश खोजने की सुविधा प्रदान करता है। यदि आप जज का नाम जानते हैं तो यह पर्याप्त है। कोर्ट ऑर्डर पर क्लिक करें। उसके बाद आपका राज्य, जिला और न्यायालय परिसर का चयन करें। फिर आप पाएंगे कि न्यायालय के आदेश कई मामलों पर खोजे जा सकते हैं। उपलब्ध पर्याय के बीच कोर्ट की संख्या चुनें। आपको जज का नाम चुनना होगा जिसका निर्णय या आदेश आपको खोजना है और कैप्चा कोड दर्ज करके गो पर क्लिक करना है। आप पाएंगे कि प्रासंगिक निर्णय में चयनित न्यायाधीश द्वारा दिए गए सभी निर्णय और आदेश आपके पेज पर प्रदर्शित किए गए हैं। उसके बाद संबंधित न्यायाधीश द्वारा कितने फैसले दिए गए हैं इसकी भी संख्या आपके सामने होगी। यह एक प्रकार से किसी भी न्यायाधीश की मंजूरी का दर आपको प्रदान करता है। आप आपके आदेश तथा निर्णय के लिंक को पढ़ सकते हैं, या तो सेव कर सकते हैं या उसे प्रिंट कर सकते हैं। धन्यवाद। ecourts सेवा पेज विभिन्न मामलों पर निर्णय और आदेशों की खोज करने की सुविधा प्रदान करता है। ज्यादातर समय या तो आप पक्षों के नाम जानते हैं या निर्णय संख्या और आदेशों की खोज करने के लिए न्यायाधीश के नाम का इस्तेमाल कर आप खोज कर सकते हैं। हम ecourts वेबसाइट के चार प्रमुख विकल्पों में से कोर्ट ऑर्डर विकल्प का चयन करें। उसके बाद आपका राज्य, जिला और कोर्ट परिसर का चयन करें। आपके न्यायालय ने आदेश को तारीख अनुसार खोजने के लिए ऑर्डर डेट विकल्प का चुनाव करें। जिस तारीख से लेकर जिस तारीख की दिनांक का चयन करके सुयोग्य अवधि चुनें। उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके गो बटन दबाएं। खोज खत्म होते ही नतीजा आपके सामने होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा दर्ज किए गए न्यायालयीन परिसर में आपके चुने गए सुयोग्य अवधि अनुसार सारे न्यायालयीन आदेश आपके सामने होगी, जो कि सारे आदेश अनुक्रम आधार पे केस के प्रकार, नंबर और साल अनुसार उस केस की तिथि और दिए गए आदेश की सूची आपके सामने होगी। फिर आप उन आदेशों को क्लिक करके पढ़ सकते हैं, सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। धन्यवाद। ecourts सेवा पेज विभिन्न मामलों पर निर्णय और आदेशों की खोज करने की सुविधा प्रदान करता है। सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर में ecourts.gov.in वेबसाइट टाइप करें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज विकल्प का चुनाव करें। चार प्रमुख विकल्पों में से
कोर्ट ऑर्डर विकल्प का चुनाव करें। उसके बाद आपका राज्य, जिला और संबंधित कोर्ट परिसर का चयन करें। जैसा कि आप देखते हैं, हम पार्टी का नाम, केस नंबर, कोर्ट नंबर और आपके आदेश की तारीख के आधार पर न्यायालयीन आदेश को खोज सकते हैं। अब हमें पार्टी नेम विकल्प का चयन करना होगा। अब आपको आपके पार्टी का नाम, साल और कैप्चा कोड दर्ज करके गो पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा दर्ज किए गए न्यायालयीन परिसर के सभी प्रतिष्ठानों में आपके दर्ज किए गए नाम और उससे मिलते जुलते नतीजे आपके सामने होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा दर्ज किए गए न्यायालयीन परिसर के सभी प्रतिष्ठानों में आपके दर्ज किए गए नाम से मिलते जुलते नतीजे आपके सामने होंगे, जो कि अनुक्रम आधार पे केस का प्रकार, नंबर और साल अनुसार उस केस की तिथि और दिए गए आदेश की सूची आपके सामने होगी। फिर आप उन आदेशों पे क्लिक करें। उसके बाद उस आदेश को आप पढ़ सकते हैं, सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर में ecourts.gov.in वेबसाइट टाइप करें। वेबसाइट खुलते ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज विकल्प का चुनाव करें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज पेज पर स्क्रीन की बाएं तरफ चार प्रमुख विकल्पों में से दूसरा विकल्प केस स्टेटस का चयन करें। उसके बाद आपका राज्य, जिला और संबंधित कोर्ट परिसर का चयन करें। अपनी केस को एक्ट प्रकार द्वारा खोजने के लिए एक्ट टैब का चयन करें। यदि आप अपनी कार्य संख्या और अनुभाग संख्या जानते हैं तो चयन करें या ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कार्य प्रकार का चयन करें। केस की स्थिति का चयन करके कैप्चा कोड दर्ज कर गो बटन दबाएं। खोज पूरी होने पर आपके न्यायालय परिसर में आपके कार्य प्रकार से संबंधित प्रतिष्ठानों और मामलों की कुल संख्या आपके सामने होगी। आपके केस के संबंधित अधिक जानकारी के लिए व्यू बटन दबाएं। केस संबंधित विस्तारित जानकारी आपके सामने होगी, जैसे केस दाखिल तारीख, केस की स्थिति, याचिकाकर्ता और वकील का विवरण, प्रतिवादी और वकील का विवरण, आपके केस के तहत दायर किए गए अधिनियम, प्राथमिक विवरण, आपके मामले की सुनवाई का इतिहास और यदि एक प्रति अपलोड की गई है तो आदेश या फैसले की जानकारी। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले वेब ब्राउजर में ecourts.gov.in वेबसाइट टाइप करें। जैसे ही वेबसाइट खुलती है जिला न्यायालय सेवाओं का विकल्प चुनें। पैनल की बाई ओर स्थित केस स्थिति चुनें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपना राज्य, जिला और आपके न्यायालय परिसर का चयन करें। वकील टैब का चयन करें
इस टैब के अंतर्गत आपको खोज करने के लिए तीन अलग तरीके मिलेंगे। वकील का नाम, बारकोड या दिनांक अनुसार मामले की सूची का उपयोग करें। वकील के नाम से खोज करने के लिए वकील का नाम विकल्प का चयन करें और फिर अपने वकील का नाम दर्ज कर आपकी केस प्रलंबित है या निर्णित है उसका चुनाव कर कैप्चा कोड डालकर गो बटन दबाएं। उसके बाद आप अपने वकील के नाम से संबंधित आपकी अदालत परिसर में कुल प्रतिष्ठानों और मामलों की संख्या पाएंगे। अपने मामले के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यू बटन पर क्लिक करें। अब आप अपने केस से संबंधित विस्तारित विवरण देख सकते हैं, जैसे कि केस दाखिल तारीख, केस की स्थिति, याचिकाकर्ता और वकील का विवरण, प्रतिवादी और वकील का विवरण, केस के तहत दायर की गई अधिनियम, प्राथमिक विवरण, आपके मामले की सुनवाई का इतिहास। यदि आपका केस ट्रांसफर हुआ है तो उसकी जानकारी भी आप यहां प्राप्त कर सकते हैं। एडवोकेट के नाम के सिवा हम और दो तरीकों का इस्तेमाल कर भी खोज कर सकते हैं, एक बार कोड और दूसरी तारीख अनुसार मामले की सूची। आप इन दो पर्यायों में से एक पर्याय का चुनाव कर सकते हैं या और अचूक निष्कर्ष के लिए तारीख अनुसार मामले की सूची के पर्याय का भी चयन कर सकते हैं। उसके बाद आपके एडवोकेट का बारकोड टाइप करें। कैलेंडर में से आपकी केस की तारीख को चुनें और कैप्चा कोड टाइप कर गो बटन दबाएं। उसके बाद आप आपके वकील के बारकोड और केस की तारीख से मिलती जुलती आपके अदालत परिसर में कुल प्रतिष्ठानों और मामलों की संख्या पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले वेब ब्राउजर में ecourts.gov.in वेबसाइट टाइप करें। जैसे ही वेबसाइट खुलती है, जिला न्यायालय सेवाओं का विकल्प चुनें। पैनल की बाई ओर स्थित केस स्थिति चुनें। ड्रॉपडाउन मेन्यू में से अपना राज्य, जिला और आपके न्यायालय परिसर का चयन करें। वकील टैब का चयन करें। इस टैब के अंतर्गत आपको खोज करने के लिए तीन अलग तरीके मिलेंगे। वकील का नाम, बारकोड या दिनांक अनुसार मामले की सूची का उपयोग करें। वकील के नाम से खोज करने के लिए वकील का नाम विकल्प का चयन करें और फिर अपने वकील का नाम दर्ज कर आपकी केस प्रलंबित है या निर्णित है उसका चुनाव कर कैप्चा कोड डालकर गो बटन दबाएं। उसके बाद आप अपने वकील के नाम से संबंधित आपकी अदालत परिसर में कुल प्रतिष्ठानों और मामलों की संख्या पाएंगे। अपने मामले के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यू बटन पर क्लिक करें। अब आप अपने केस से संबंधित विस्तारित विवरण देख सकते हैं, जैसे कि केस दाखिल तारीख, केस की स्थिति, याचिकाकर्ता और वकील का विवरण, प्रतिवादी और वकील का विवरण, केस के तहत दायर की गई अधिनियम, आपके मामले की सुनवाई का इतिहास। यदि आपका केस ट्रांसफर हुआ है तो उसकी जानकारी भी आप यहां प्राप्त कर सकते हैं। वकील के मामलों की खोज वकील के बारकोड की सहायता से करने के लिए बारकोड विकल्प का चयन करें। उसके बाद संबंधित वकील का बारकोड, केस की स्थिति, यदि केस प्रलंबित है, निर्णित है या दोनों है उसका चयन कर कैप्चा कोड दर्ज करके गो बटन दबाएं। खोज पूरी होते ही आपके वकील के बारकोड से संबंधित आपके न्यायालय परिसर में उपलब्ध सारे प्रतिष्ठानों में चल रहे केसेस आपके सामने होगी। अपने मामले के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यू बटन पर क्लिक करें। अब आप अपने केस से संबंधित विस्तारित विवरण देख सकते हैं, जैसे कि केस दाखिल तारीख, केस की स्थिति,
याचिकाकर्ता और वकील का विवरण, प्रतिवादी और वकील का विवरण, केस के तहत दायर किए गए अधिनियम, आपके मामले की सुनवाई का इतिहास, यदि आपका केस ट्रांसफर हुआ है तो उसकी जानकारी भी आप यहां प्राप्त कर सकते हैं। वकील अपने मामलों की खोज विशिष्ट तौर पर करने के लिए तारीख निहाय मामलों की सूची के विकल्प का चयन कर सकते हैं। उसके बाद आपके एडवोकेट का बारकोड टाइप करें। कैलेंडर में से आपकी केस की तारीख को चुनें और कैप्चा कोड टाइप कर गो बटन दबाएं। उसके बाद आप आपके वकील के बारकोड और केस की तारीख से मिलती जुलती आपके अदालत परिसर में कुल प्रतिष्ठानों और मामलों की संख्या पाएंगे। यह प्रणाली एक आसान तरीका प्राप्त कराती है जिसका उपयोग कर हर एक वकील अपने न्यायालय परिसर में चल रहे सभी प्रतिष्ठानों में उपलब्ध प्रत्येक केस की जानकारी एक ही जगह पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बारकोड दर्ज करने के बावजूद यदि परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं तो यह दो संभावनाओं के कारण हो सकता है। एक, आपने अपने अदालत परिसर में CIS में अपना बारकोड पंजीकृत नहीं कराया है, और दो, आपके लंबित मामलों को एडवोकेट के नाम और बारकोड के साथ टैग करने की आवश्यकता है। उसके बाद एक चीज का ध्यान जरूर रखें, जब आप आपके प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं तो आपका नाम उस मामले में सूचित होना जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर में ecourts.gov.in वेबसाइट टाइप करें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज विकल्प का चुनाव करें। स्क्रीन की बाएं तरफ चार प्रमुख विकल्पों में से दूसरा विकल्प केस स्टेटस का चुनाव करें। उसके बाद आपको आपका राज्य, जिला और संबंधित कोर्ट परिसर का चयन करना है। आपके केस को केस नंबर प्रकार द्वारा खोजने के लिए केस नंबर टैब का चयन करें। उसके बाद आपके केस प्रकार का चयन करें। उसके बाद केस नंबर दर्ज करें। संबंधित साल दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करें और गो बटन दबाएं। खोज खत्म होने पर आपके न्यायालय परिसर में उपस्थित सभी प्रतिष्ठानों में आपके केस नंबर से संबंधित केसेस आपके सामने होगी। विस्तारित जानकारी के लिए व्यू बटन दबाएं। केस की विस्तारित जानकारी आपके सामने होगी, जैसे केस दाखिल तारीख, केस की स्थिति, याचिकाकर्ता और वकील का विवरण, प्रतिवादी और वकील का विवरण, आपके केस के तहत दायर किए गए अधिनियम, अधीनस्थ अदालत की जानकारी, प्राथमिक विवरण, आपके मामले की सुनवाई का इतिहास, और यदि एक प्रति अपलोड की गई हो तो आदेश या फैसले की जानकारी आपके सामने होगी। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर में ecourts.gov.in वेबसाइट टाइप करें। वेबसाइट के खुलते ही जिला न्यायालय सेवाओं का विकल्प चुनें। मुख्य पृष्ठ पर स्क्रीन की बाएं तरफ चार प्रमुख विकल्पों में से दूसरा विकल्प केस स्टेटस का चुनाव करें, जहां आपको आपका राज्य, जिला और संबंधित कोर्ट परिसर का चयन करना है। आपके केस की खोज केस टाइप प्रकार द्वारा करने के लिए केस टाइप टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आपका केस प्रकार चुनें।
उसके बाद संबंधित साल दर्ज करें, केस की स्थिति का चयन करें, उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके गो बटन दबाएं। खोज खत्म होते ही आपके न्यायालय परिसर में आपके किस प्रकार से संबंधित केसेस आपके सामने होंगे। विस्तृत जानकारी पाने के लिए व्यू बटन दबाएं। अब आप अपने सामने केस से संबंधित विस्तारित विवरण देख सकते हैं, जैसे केस फाइलिंग नंबर, केस दाखिल तारीख, केस की स्थिति, याचिकाकर्ता और वकील का विवरण, प्रतिवादी और वकील का विवरण, आपके केस के तहत दायर किए गए अधिनियम, अधीनस्थ अदालत की जानकारी, प्राथमिक विवरण, आपके मामले की सुनवाई का इतिहास और यदि एक प्रति अपलोड की गई है तो आदेश या फैसले की जानकारी। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर में ecourts.gov.in वेबसाइट टाइप करें, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज विकल्प का चुनाव करें। स्क्रीन की बाएं तरफ चार प्रमुख विकल्प में से पहला विकल्प CNR नंबर का चुनाव करें, उसके बाद संबंधित CNR नंबर दर्ज करें, उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज कर सर्च बटन दबाएं। आपके केस से संबंधित विस्तारित विवरण अब आपके सामने होगा, जिसमें आप देख सकते हैं केस दाखिल तारीख, केस की स्थिति, याचिकाकर्ता और वकील का विवरण, प्रतिवादी और वकील का विवरण, आपके केस के तहत दायर किए गए अधिनियम, आपके मामले की सुनवाई का इतिहास और यदि एक प्रति अपलोड की गई हो तो आदेश या फैसले की जानकारी। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर में ecourts.gov.in वेबसाइट टाइप करें, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज विकल्प का चुनाव करें। स्क्रीन की बाएं तरफ चार मुख्य विकल्प में से दूसरा विकल्प केस स्टेटस पर क्लिक करें, उसके बाद आपका राज्य, जिला और उचित कोर्ट परिसर का चयन करें। आपकी केस को फाइलिंग नंबर द्वारा खोजने के लिए फाइलिंग नंबर विकल्प का चयन करें, उसके बाद संबंधित फाइलिंग नंबर और साल दर्ज कर कैप्चा कोड दर्ज करके गो बटन दबाएं। खोज खत्म होते ही आपके न्यायालय परिसर में उपलब्ध सभी प्रतिष्ठानों में आपके फाइलिंग नंबर से मिलती जुलती सारी केसेस आपके सामने होगी। केस संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए व्यू बटन दबाएं। केस की विस्तृत जानकारी आपके सामने होगी, जैसे केस की स्थिति, केस दाखिल तारीख, याचिकाकर्ता और वकील का विवरण, प्रतिवादी और वकील का विवरण, आपके केस के तहत दायर किए गए अधिनियम, प्राथमिक विवरण, आपके मामले की सुनवाई का इतिहास और यदि एक प्रति अपलोड की गई हो तो आदेश या फैसले की जानकारी। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर में ecourts.gov.in वेबसाइट टाइप करें,
वेबसाइट के खुलते ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज विकल्प का चुनाव करें। स्क्रीन की बाएं तरफ चार प्रमुख विकल्पों में से दूसरा विकल्प केस स्टेटस का चुनाव करें। उसके बाद आपका राज्य, जिला और न्यायालय संकुल का चुनाव करें। आपकी केस को FIR नंबर द्वारा खोजने के लिए FIR नंबर विकल्प का चुनाव करें। उसके बाद संबंधित पुलिस स्टेशन, FIR नंबर, साल और केस की स्थिति का उचित चयन कर कैप्चा कोड डालकर गो बटन दबाएं। खोज खत्म होने पर आपके न्यायालय संकुल में आपके FIR नंबर से जुड़ी केस आपके सामने होगी। आपके केस से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यू बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके केस की विस्तृत जानकारी जैसे केस दाखिल तारीख, केस की स्थिति, याचिकाकर्ता और वकील का विवरण, प्रतिवादी और वकील का विवरण, आपके केस के तहत दायर किए गए अधिनियम, प्राथमिक विवरण, आपके मामले की सुनवाई का इतिहास आपके सामने होगा। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर में ecourts.gov.in वेबसाइट टाइप करें। वेबसाइट के खुलते ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज विकल्प का चुनाव करें। स्क्रीन की बाएं तरफ चार मुख्य विकल्प में से दूसरा विकल्प केस स्टेटस विकल्प का चयन करें। उसके बाद आपको आपका राज्य, जिला और न्यायालय परिसर का चयन करें। आप अपने केस की खोज सात प्रमुख प्रकार द्वारा कर सकते हैं। उसमें से पहला विकल्प पार्टी नाम का चयन करें। उसके बाद याचिकाकर्ता या प्रतिवादी का नाम, केस दाखिल साल, केस की स्थिति, यदि केस प्रलंबित है या निर्णित है या दोनों हैं। उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज कर गो बटन दबाएं। खोज खत्म होने पर आपके न्यायालयीन परिसर में चल रहे आपके पार्टी नाम से मिलते जुलते सारे केसेस आपके सामने होंगे। आपके केस से संबंधित विस्तारित विवरण देखने के लिए व्यू बटन पर क्लिक करें। विस्तारित विवरण में केस दाखिल तारीख, केस की स्थिति, याचिकाकर्ता और वकील का विवरण, प्रतिवादी और वकील का विवरण, आपके केस के तहत दायर किए गए अधिनियम, आपके मामले की सुनवाई का इतिहास और यदि एक प्रति अपलोड की गई हो तो आदेश या फैसले की जानकारी आपके सामने होगी। धन्यवाद। नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिला न्यायालय की वेबसाइट का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए। जब आप ecourts.gov.in वेबसाइट का होम पेज खोलते हैं तो मुख्य पृष्ठ पर सूचीबद्ध शीर्ष मेनू के पास जिला न्यायालय का विकल्प है, उसका चुनाव करें। उसी तरह होम पेज के निचले हिस्से पर यही लिंक दी गई है, उसका इस्तेमाल कर हम यह पेज खोल सकते हैं। अब हमें भारत के मानचित्र पर ले जाया जाता है जहां सभी राज्यों को देखा जा सकता है। प्रत्येक राज्य क्लिक करने योग्य लिंक है। उदाहरण के लिए हम यहां एक राज्य पर क्लिक करेंगे। हमें फिर से राज्य के मानचित्र पर ले जाया जा रहा है। यहां हर जिला क्लिक करने योग्य लिंक है जहां से हमें
जिला न्यायालय की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम यहां औरंगाबाद जिले का चयन करेंगे। उसके बाद हमारे सामने जिला न्यायालय की वेबसाइट खुलेगी। इस पेज की महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपको न्यायाधीशों के नाम और उनके विशेष स्टेशन पर कार्यरत होने की जानकारी देगा। अगर कोई न्यायाधीश छुट्टी पर है तो उसकी भी जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। हालिया विकास नामक कॉलम का इस्तेमाल कर आपके जिला और तालुका न्यायालय में हो रहे नवीनतम विकास की जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ईकोर्ट्स वेबसाइट की तरह आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर आपके केस की स्थिति, कारण की सूची और आदेश तथा निर्णय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप पाएंगे कि कुछ जिला न्यायालय इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सार्वजनिक सूचनाएं, घोषणाएं, लोक अदालत निमंत्रण या कानून सहायता के समान कार्यक्रम भी पोस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इस सुविधा का अधिकतम उपयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार। इस वीडियो में हम NJDG मतलब नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के बारे में सीखेंगे। NJDG भारत की न्यायपालिका का अद्वितीय सार्वजनिक पोर्टल है, जो कि अपने आप में पूरे विश्व में एकमेव अद्वितीय पोर्टल है। NJDG द्वारा जिला न्यायालय मुकदमेबाजी का पूरा डेटा जनता के लिए खुला कर रहा है, जो कि सांख्यिकीय स्वरूप में है। तो आइए इस अनोखे पब्लिक पोर्टल की और विस्तार में जानकारी लें। यह मानते हुए कि आप ईकोर्ट्स वेबसाइट के मुख्य पेज पर है, वेबसाइट के शीर्ष मेनू बार में आपको NJDG के लिए लिंक मिलेगी। इसके अलावा वेबसाइट के मुख्य पेज पर आपको NJDG का विकल्प मिलेगा, जिसे क्लिक करके आप NJDG के सार्वजनिक पोर्टल तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके गो बटन दबाएं। NJDG पब्लिक पोर्टल का यह मुख्य पेज है। यहां से हमें पूरे देश की न्यायालयीन स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि पिछले महीने हुई निराकृत केसेस या पिछले महीने दर्ज की गई केसेस या पिछले महीने में 10 साल से अधिक पुराने निराकृत केसेस। उम्र के हिसाब से लंबित केसेस की सांख्यिकीय जानकारी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आप यहां पाएंगे कि उम्र के हिसाब से लंबित केसेस को यहां विविध रंगों में दिखाया गया है, जो कि पाई चार्ट और सांख्यिकीय सारणी में समान रंगों से दिखाया गया है। इसीलिए कि 10 साल से अधिक पुराने केसेस, 5 से 10 साल के बीच के लंबित केसेस, 2 से 5 साल के बीच के लंबित केसेस या कम से कम 2 साल तक के लंबित केसेस को उनकी उम्र के अनुसार आसानी से इकट्ठा किया जा सके। इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक और महिला याचिकाकर्ताओं से संबंधित जानकारी का भी अलग अलग उल्लेख है। नीचे हम आज की तारीख में सूचीबद्ध केसेस और दिनांक रहित केसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दिनांक रहित केसेस वो केसेस हैं जिन केसेस की सुनवाई की तारीख को अपडेट नहीं किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण है कि जैसे ही केस की स्थगिति हो, केस की सुनवाई की तारीख को जल्द से जल्द अपडेट किया जाए। अधिक जानकारी के लिए आप आपका राज्य, जिला और कोर्ट परिसर का भी चयन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य का चयन करेंगे। यहां हमें जिला चुनने का विकल्प मिलेगा। चलिए उत्तर प्रदेश राज्य की पूरी जानकारी पाने के लिए अब गो बटन पर क्लिक करें।
अब जिले के रूप में कानपुर नगर का चयन करके गो बटन पर क्लिक करें। इस तरह हम पूरे जिले की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम एक प्रतिष्ठान का चयन करेंगे और हमें कानपुर नगर की जिला न्यायालय की स्थापना की जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह हम जानकारी के विस्तार को भी सीमित कर सकते हैं। अब हम NJDG की मुख्य पेज पर जाएंगे, जहां हम केसेस के राष्ट्रीय स्तर से लेके जिला या तालुका न्यायालय के स्थानिक प्रतिष्ठानों में उपलब्ध केसेस की सांख्यिकीय जानकारी की यात्रा देखेंगे। अब हम पिछले महीने दर्ज की गई केसेस की जानकारी लेंगे। आप देखेंगे कि सूचना आरोही और अवरोही क्रम से क्रमबद्ध की जा सकती है। इससे हम ये जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में सर्वोच्च नागरिक फाइलिंग हुई है। यहाँ हम महाराष्ट्र राज्य की जिलावार जानकारी प्राप्त करेंगे, जहां मुंबई सिटी सिविल कोर्ट में सबसे अधिक केसेस दाखिल हुए हैं, उसके बाद अहमदनगर, पुणे और ठाणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुए हैं। यदि हम जिला पर क्लिक करते हैं तो हम उस जिले के भीतर सभी कोर्ट परिसरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम मुंबई नागरी कोर्ट के आंकड़ों पर क्लिक करें तो हम पिछले महीने दर्ज की गई केसेस की सूची प्राप्त कर सकते हैं। केसेस का इतिहास जानने के लिए केसेस पर क्लिक करें, क्योंकि केसेस क्लिक करने योग्य लिंक है। इसी प्रकार देश के राष्ट्रीय स्तर से लेके जिला या तालुका के स्थानिक स्तर तक का प्रवास खत्म होता है। इसी प्रकार से आप सभी प्रकार के निर्णित या लंबित केसेस, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दायर किए केसेस की भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये है भारतवर्ष का गौरवशाली एकमेव अद्वितीय भारतीय न्यायपालिका का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, जिसे हम NJDG के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।